फ्रेंड्स, यार आप पिछली क्लासेस में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको मिलाकर टैली कर लेना और करेक्ट कर लेना। जितना वक्त हम दूसरों को जानने में गंवाते हैं, अगर उस वक्त का 10% भी हम खुद को समझने में दें तो हमारी ज़िंदगी कुछ और होगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड, इट्स अ एक्स्ट्रा क्लास एंड आई विल टुडे टेल यू अबाउट द टाइम, हाउ टू से द टाइम, मीन्स हम किस तरह से टाइम बताते हैं इंग्लिश में, हाउ टू से द टाइम इन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने हिंदी में टाइम बताया होगा सबको, लेकिन क्या इंग्लिश में टाइम बताना जानते हैं आप कि हम टाइम कैसे बताते हैं, किस तरह से हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं टाइम को? मीन्स 9:15 है तो हम कैसे बोलेंगे? हम आमतौर पर बोल देते हैं 9:15। 9:15 बाकी है तो हम कैसे बोलेंगे? 8:45, 15 बाकी है 9:00। इस तरह से हम व्यक्त करते हैं, बट इंग्लिश में हमको अगर बोलना हो, टाइम को व्यक्त करना हो, तो हम कैसे करेंगे, वही आज हम सीखेंगे। आइए फ्रेंड, दिस इज वॉच। जैसे इसमें कितना बजा है फ्रेंड, इस घड़ी में कितना बज रहा है? मैंने सुई थोड़ा गलत बनाया है, तो ये बड़ी वाली सुई 15 पे है और छोटी वाली सुई 9 पर है, मीन्स 9:15 हो रहा है। तो अगर हम बोलेंगे 9:15, मतलब 12 पर है, ये सुई कितनी पे है? ये 12 पे है और 9 पे, मीन्स 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे हैं। तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? इट इज 9:00, इट इज 9:00। ये तो सिंपल है फ्रेंड, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, जो भी बज रहा है, तो हम इस तरह से इट इज 9:00, इट इज 10:00, इट इज 12:00, इट इज 1:00, इट इज 2:00, इट इज लगाकर हम व्यक्त करेंगे टाइम को, ठीक है फ्रेंड। लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा हो, 10 बाकी है, या 10:10 हो गया है, या 10:15 बाकी है, या 10:15 हुआ है, यानी 10:15 हुआ है, 10:30 हुआ है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? देखिए, जब भी साढ़े आएगा, साढ़े तो हाफ पास्ट लिखेंगे। जैसे 9:30 बजे है, तो इट इज 9:30। 9:30 बजे, कभी भी साढ़े आएगा तो 9:30 लगाकर बताने का फ्रेंड। 10:30 बजे है तो इट इज 10:30। 8:30 बजे है तो इट इज 8:30, ठीक है फ्रेंड। तो ये साढ़े आएगा तो 9:30 लगाना है। अब 1:15 आएगा तो 1:15, मतलब 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, तो इस तरह से 1:15 आएगा तो क्वार्टर लगाएंगे, क्वार्टर। अभी 9:15 बजे है तो क्वार्टर 5 और क्वार्टर 2, ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे 9:15 बजे हैं तो इट इज 9:15। अगर हम बोलेंगे कि 9:15 बज रहे हैं, 9:15 बजे हैं, तो क्या होगा? इट इज 9:15, ठीक है फ्रेंड। अगर 9:15, यानी कि 9:15, 10:15, 11:15, 12:15 ऐसा हो,
तो उसमें हम क्वार्टर पास्ट लगाएंगे। अगर 15 मिनट बाकी है, जैसे 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2, तो उसमें हम क्वार्टर 2 लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये आप याद रखना कि 9:15 है तो इट इज़ 9:15, और 9:15 है तो इट इज़ 9:15। सिर्फ 2 और पास्ट का फर्क है। ठीक है फ्रेंड, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना एक बार। अभी जैसे 8:20, 8:20 हुए हैं, तो इट इज लगाएंगे, इट इज 8:20, मतलब इट इज, सॉरी, इट इज 20 मिनट, यानी 8:20 हो गए तो ये पास्ट हो जाएगा, 20:08। ठीक है फ्रेंड, अगर हम 20 मिनट बाकी होगा, जैसे 8:20 बाकी है तो इट इज 22:08, इट इज 22:08। इस तरह से हम व्यक्त करते हैं इंग्लिश में, मीन्स अगर 8:20 हो गए, यानी पास्ट, यानी पार कर गया मिनट, तो उसको हम पास्ट लगाएंगे, और बचा है तो उसमें हम 2 लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम व्यक्त करते हैं टाइम को। ठीक है फ्रेंड, और टाइम में हमेशा इट का इस्तेमाल करना है, दिस का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इस पर एक और भी वीडियो बनाऊंगा कि इट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, मीन्स इंट्रोडक्टरी इट। तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से देख लो एक बार और समझ लो कि जब भी, मीन्स सिंपल है, मतलब बजकर निकल गया, पास्ट हो गया यानी बीत गया, तो पास्ट, और बाकी है तो 2, सिंपल है। जैसे 11:15 हुए हैं तो कितना हो गया, 11:15। तो आमतौर पर लोग बोलते हैं 11:15, चलता है, लैंग्वेज है, बट सही तरीके से अगर हम बोलेंगे तो 11:15 को हम कितना बोलते हैं, 11:15। 11:15 मतलब इट इज़ 11:15। अगर 10:45 बज जाए तो इट इज़ 11:45। ठीक है फ्रेंड, और जैसे 2:25 हुए हैं तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज़ 2:25। अगर 2:25 बाकी है तो इट इज़ 2:25:22। ठीक है फ्रेंड, 3:30 बज रहे हैं तो 3:30, जब भी 3:30 आ जाएगा तो 3:30 लगाना है, 3:30, इट इज़ 3:30। ठीक है फ्रेंड, जब भी 3:30 आएगा तो 3:30 लगाकर जितना बज रहा है वो नंबर बोल देंगे। जैसे 7:30 बज रहे हैं तो इट इज़ 7:30। ठीक है फ्रेंड, 7:15 बजे हैं, 7:15 मतलब 7:15 बाकी है, इट इज़ 7:15। 7:15 बजे है तो इट इज़ 7:15। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम टाइम को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। ठीक फ्रेंड, फिर भी लास्ट में मैं जो सेंटेंस दे के जाऊँगा उसको आप अच्छी तरह से बनाना, और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जाते जाते मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो दोस्त हमारे वीडियो देख रहे हैं रोज़ का, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दोस्त इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक का वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। दोस्तों ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझकर बनाना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।